पुलिस ने 20,000 के इनामिया को गिरफ्तार करके सफल अनावरण करते हुए घटना का खुलासा किया। मैनपुरी जनपद के थाना किसनी क्षेत्र के ग्राम सहारा ने अपने छोटे भाई राजीव खा उम्र करीब 23 वर्ष को दिनांक 7/7/2020 को सुनील यादव पुत्र कप्तान सिंह व अनिल यादव पुत्र जितेंद्र सिंह उर्फ कल्लू निवासी ग्राम बघोनी थाना किसनी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज इस आशय के साथ कराया था कि राजीव भैंस चराने गया था जिसकी भैंस खो गई। जब इस संबंध में राजीव खा भैंस तलाश कर रहा था उसी वक्त सुनील यादव व अनिल यादव ने राजीव को कहीं गायब कर दिया जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसकी खोजबीन करने के लिए पुलिस अधीक्षक अजय कुमार के द्वारा कई टीमें लगाई गई थी, जिनकी कार्रवाई में आरोपी अनिल व सुनील ने हत्या करने के मकसद से गायब किया था और अपने साथी सत्येंद्र कमोद मनोज एवं अपने छोटे भाई समोद उर्फ अंशुल के साथ मिलकर राजीव खां की लाश को अरिंद नदी के किनारे झुंडों में छुपा देना बताया था, जिससे 3/10/2020 को अनिल यादव की निशानदेही पर राजीव खां का कंकाल व कपड़े तथा पहचान पत्र पुलिस ने बरामद किए हैं, जिसका संपूर्ण खुलासा पुलिस ने कर दिया है और आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। क्या नाम आपका? किस गाँव रहने वाले हैं आप? सहारा। बताइए ये जो घटना क्या हुई थी आपके भाई की? भाई साहब खाम खाम मारा गया। क्या मामला क्या था, नाम बताइए। राजीव खान। मतलब घटना कैसे हुई है? घटना साहब ये मैं से ढूंढने गया था जी, और जे वहाँ से निकल रहा था, ये लोग पता नहीं पी खा रहे थे क्या कर रहे थे, उन्होंने पकड़ के मार दिया। क्या लग रहा है आपको, पुलिस की इसमें क्या भूमिका रही? बहुत बढ़िया काम किया है कप्तान साहब ने, आई एस ओ साहब ने, मैनपुरी जिला के चौकी थाने सब ने बहुत अच्छी मदद करी है हमारी, हमें इस बात से बहुत प्रसन्न है साहब। इस कांड के सभी मुलजिम जेल चले गए, आज लास्ट मुलजिम जेल जा रहा है। मैं बहुत खुशी है साहब, आज जो हमारे भाई की हत्या रही थे वो आज सब जेल जा रहे हैं, जा चुके हैं साहब। मैं बहुत इस बात की खुशी है, हमारे कप्तान साहब ने, एस ओ साहब ने, सब ने हमारी मदद करी है साहब, और सी ओ साहब ने बहुत अच्छी तरीके से हमारी मदद करी है, बहुत मेहनत करी है हमारे साथ, हम इस बात से बहुत खुश हैं साहब। अच्छा ये बताइए भाई की हत्या की क्या उद्देश्य क्या था हत्या का? हत्या का साहब ये वहाँ से भैंसे ढूंढ के निकल रहा था जी, और जे वहाँ अपने पी खा रही थी और इन्होंने देखा वाला नहीं किया और इन्होंने पकड़े उसको मार दिया खाम खाम। मेरा भाई का कोई भी दोष नहीं था साहब, निर्दोष है बिल्कुल। उम्मीद थी आपको कि ये केस खुलेगा, ये ऐसी हत्या हो सकती है? हमें तो साहब बहुत कम उम्मीद थी, लेकिन इन सभी कर्मचारियों के और इनके सबके मदद से हमारा केस खुल गया है साहब। इन्होंने बहुत कड़ी मेहनत करी हमारे साथ और जब हमारा केस खुल गया है। इन आरोपियों पे क्या कार्रवाई चाहते हैं आप भविष्य में? हम तो ये कह रहे हैं साहब, इनको बड़ी से बड़ी कार्रवाई करी जाए।